क्या कर रहे थे, हम माइक्रोसॉफ्ट ओपन 2007 वर्ड में काम कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन, क्लिक हियर फर्दर मूव ऑन। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, क्लिक किया और ये अपेयर हो गया। आज हम होम टैब में काम करेंगे। डिफरेंट टैब्स मैंने आपको बताए थे, ये फर्स्ट है होम टैब, आज हम इसमें काम करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। ओके, फर्स्टली हम लिखेंगे एक कोटेशन, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। हमने कोटेशन लिखी प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, यू कैन सी हियर। ओके, ये बहुत स्मॉल है, हम चाहते हैं इसका साइज इंक्रीज हो जाए, तो हम इसका साइज इंक्रीज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कोई भी कमांड अप्लाई करने से पहले हम टैग्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 11, ये 11 है, लेकिन हम इसका साइज 16 कर देंगे। इसका एक शॉर्टकट मेथड ये भी है कि आप इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे ए हेड है, आप इसको ए हेड के थ्रू भी आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हम इसको इंक्रीज करते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये राइटिंग आपको पसंद नहीं आ रही, आप डिफरेंट राइटिंग यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कोई भी यहाँ से डिफरेंट राइटिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने वाली राइटिंग पिक की। आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, आप यहाँ पे क्लिक करें, आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। आप चाहते हैं इसको इटैलिक करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और इटैलिक पे क्लिक कर दें, यहाँ आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंडरलाइनिंग टेक्स्ट आपको चाहिए, आप अंडरलाइनिंग पे क्लिक कीजिए, आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइनिंग में फिर आपके पास मोर ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं आपके पास डॉटेड है, आपके पास डॉटेड लाइनिंग है, आपके पास डैश अंडरलाइन है, आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंडरलाइनिंग का कलर येलो हो, ब्लू हो या ऑरेंज हो, कोई भी कलर हो, तो आप कोई प्यारा सा कलर स्पेस सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ब्लू लिया है, सही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पसंद नहीं आएंगे अंडरलाइनिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके आप इसको सेलेक्ट करके अंडरलाइनिंग पे क्लिक करें, आपकी अंडरलाइनिंग हाइब हो जाएगी। आप चाहते हैं इटैलिक ना हो, आप इटैलिक पे अगेन क्लिक करें, ये टेक्स्ट आपका स्ट्रेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट के मिड में लाइन आए, तो आप भी देखिए यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू का, आप इस पर क्लिक करें, आपके टेक्स्ट के मिड में क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आप अगेन से क्लिक करें, आपका टेक्स्ट अगेन उसी हालत में आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, ये है आपके पास टेक्स्ट कलर, ये देखें, अगर आप चाहते हैं ब्लैक कलर नहीं चाहिए आपको, आप यहाँ पे इस एक साथ क्लिक करें, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मैंने ब्लू लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट हाईलाइटेड हो, तो आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट हाईलाइटेड हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट हाईलाइट ना हो, आप इस पर नो कलर पे क्लिक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट दोबारा ब्लैक फॉर्म में आ जाए, तो आप इसको सेलेक्ट करें अगेन और ब्लैक कलर पे क्या कर दें, क्लिक कर दें, तो आपका टेक्स्ट अगेन ब्लैक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे मेरे पास, मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ। अगर आप चाहते हैं आपका जो, ये देखिए यहाँ पे जो आपको एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें, ये आपके पास सेंटेंस लोअर और अपर कैपिटलाइज ईच टोगल, ये आपके डिफरेंट केस हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस केस में होता है, क्या होता है कि फुल स्टॉप के बाद जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो कैपिटल होते हैं और बाकी स्मॉल होते हैं, तो ये ऑलरेडी हमारे पास इस फॉर्म में। लोअर केस पर क्लिक करेंगे तो सारे लोअर में आ जाएंगे, अगर आप कैपिटलाइज ईच करेंगे तो आपके पास फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा, अगर आप अपर केस करेंगे तो सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे, अपर केस हो जाएंगे, लेकिन हम सेंटेंस केस में काम कर रहे थे, तो हम वापस में आएंगे। एक और चीज़, अब आप एट लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, एट एट लिखें, ए टी एच, लेकिन टी एच स्मॉल होना चाहिए, इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट।
आप देख सकते हैं। आप इस टी एच को अगर छोटा करना चाहते हैं, पहले हम इसको साइज इंक्रीज कर दें, इसको बोल्ड कर दें ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो आप इस टी एच को सेलेक्ट करें और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करें, तो आपका ये 8 आ जाएगा उसी फॉर्म में। गॉट माय पॉइंट? ओके, अब हम आगे चलते हैं। लेट्स सेव। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या किया, हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना सीखा, हमने इटैलिक करना सीखा, हमने अंडरलाइनिंग सीखी, हमने सुपर स्क्रिप्ट सीखा, हमने सबस्क्रिप्ट सीखा, हमने अंडरलाइन केस सीखा, हमने कैपिटलाइज करना सीखा, हमने हाईलाइट करना सीखा और कलर चेंज करना सीखा। इट्स वेरी इजी, यू मस्ट हैव ट्राई इट। वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करेंगे आप और परफेक्ट होते जाएंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।